कुछ पूछ सकता हूं आपको? वीकनेस बोलो बोलो बोलो, आखिरी बार रिवाइज करो, बाद में नहीं करूंगा। वीकनेस, हाँ, एक्सटेंट ऑफ लॉस, कम ऑन। हाँ, वीकनेस होगा तो क्या होगा, और थ्रेट होगा तो क्या होगा, और फिर बोलो वो क्या है, बोलो ना। असेट होने के लिए तीन मत रखती, एक तो वैल्यू चाहिए, विदाउट विच ऑर्गेनाइजेशन में बी थ्रेटेंड, एंड टू गेट इट बैक वी नीड टू स्पेंड मनी, टाइम, स्किल। आप बताएंगे उसको रिस्क मैनेजमेंट किसको बोलते हैं, इसको ढूंढना, आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट एंड मिटिगेशन। IRR एक ऐसा डिस्काउंट इंडिकेटर जहाँ पे आपका NPV जीरो आता है। हम ना ज्यादा कमाते हैं ना कम कमाते हैं, हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो विल बी जीरो, विल बी सेम, यानी कि हमारा NPV जीरो आता है। दोस्तों, हमारा जो डिस्काउंट इंडिकेटर जो एक्चुअल में दिया होता है ना, वो एक तो IRR से कम भी हो सकता है, IRR से ज्यादा भी हो सकता है। IRR एक ऐसा डिस्काउंट इंडिकेटर है, बोलो कैसा, जहाँ पे आपका निकलता है NPV जीरो। ICI क्या मॉड्यूल मटेरियल सब रेफर करने का क्या? अच्छा, क्या मेरे बुक में ये सारी चीजें कवर्ड है क्या? तो अगर आप इसको कवर अप कर लेते तो आपका हो जाएगा यस। अच्छा, मैंने भी कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं लगा, मॉड्यूल का मटेरियल कर लेंगे तो हो जाएगा, सिंपल लॉजिक है, और अभी तक होते आया है, तुम्हारे केस में भी हो जाएगा। बोलो ना, right to access books of accounts, right to obtain information and explanation, right to attend general meeting, right to report to the members and right to lien. Correct hai, kya auditor books of accounts ko access kar sakta hai kya? Only during business hours or at all times. Kya wo company ke books of accounts access kar sakta hai? Kya wo branch ke books of accounts access kar sakta hai? Kya wo subsidiary ke books of accounts access kar sakta hai? Associate ke access kar sakta hai? Only during the consolidation of financial statements. Kya wo information explanation obtain karne ka power hai kya uske paas? हाँ, वो कौन सी मीटिंग अटेंड करेगा, जनरल मीटिंग या बोर्ड मीटिंग? कोई भी जनरल मीटिंग अटेंड कर सकता है क्या वो? क्या उसको नोटिस भी मिलना जरूरी है क्या? क्या वो किसी भी मैटर पे बोल सकता है क्या? क्या वो किसी भी मैटर पे बोल सकता है क्या? नहीं, ओनली ऑन द मैटर्स विच कंसर्न्स हिम एज ऑडिटर। तो मैं बच्चे को हमेशा एडवाइस करता हूँ कि इंस्टीट्यूट के सिलेबस के जो चार सेक्शन है, हर सेक्शन की वेटेज पढ़ो और उसके अंदर स्टडी करो। जब तक आपका एक सेक्शन कंप्लीट ना हो जाए, दूसरे सेक्शन पे स्विच ओवर नहीं करना। ये नहीं है एक यहाँ से पढ़ लिया, एक यहाँ से पढ़ लिया, एक यहाँ, कोई भी सेक्शन हमारा ढंग से तैयार नहीं है, ये काम नहीं करना। इनफैक्ट मैंने जो पेनड्राइव क्लासेस आपको दी हैं, उसमें भी आपको चैप्टर मार्क कर लेने चाहिए सेक्शन वाइज, और उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ने चाहिए। चाहे वो आपका मॉड्यूल 1 का चैप्टर है, चाहे वो मॉड्यूल 2 का है, क्योंकि मैं बच्चों को दो मॉड्यूल देता हूँ। तो आप पहले चैप्टर्स को मार्क करो कि ये सेक्शन 1 के हैं, ये सेक्शन 2 के हैं, ये सेक्शन 3 के हैं, ये सेक्शन 4 के हैं, और सेक्शन वाइज स्टडी करो।